हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर लिमिटेड स्टडी जोन। गाइस, चल रही हैं युवराज बैच की क्लासेस एंड आज हम यहां पर युवराज बैच में कंटिन्यू कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले मैंने आपको पंचुएशन मैंने पढ़ा दिया है कि पंचुएशन का मतलब क्या होता है। पंचुएशन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो मार्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कॉमा होता है, एपोस्ट्रॉफी होता है, फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें ना बच्चों। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर मतलब कि आपके सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं जो अपनी खुद की शक्ति दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? खुद की शक्ति दिखाते हैं, और उससे आपको एक नया, एक तरीके का नया वर्ड मिल जाता है, एक तरीके की नई ताकत मिल जाती है आपके सेंटेंस को। तो इसको हम बोलते हैं वर्ड पावर। आइए देखते हैं वर्ड पावर में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वर्ड पावर में आपको पहचानने के लिए, मतलब इसमें केवल रिलेटेड जो बातें होंगी वर्ड से, सबसे पहला है ऑड वन आउट। क्या है बेटा? ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आप जानते हो कि इसमें से मतलब जो अलग रहता है ग्रुप में से उसको छांट लो। द अनकॉमन फ्रॉम द ग्रुप, सो द थिंग इज दैट इज अनकॉमन फ्रॉम द ग्रुप, अब इसको स्क्वाट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लाइन, टाइगर, वुल्फ एंड काउ। तो इसमें ऑड वन क्या है? काउ है, बिकॉज ये बाकी के बाकी सारे कैसे हर्बीवोरस हैं, सॉरी ये कार्निवोरस हैं, और केवल काउ जो है वो कैसा है? हर्बीवोरस है, है ना। अगला है वर्ड मीनिंग, ओके, यस। अगला है, नेक्स्ट है वर्ड मीनिंग, ठीक है ना। तो वर्ड मीनिंग में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वर्ड, ओके, आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, या आपको पिक्चर से भी बोल सकता है, या तो पिक्चर भी दे सकता है और या तो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्ड मीनिंग में एग्जाम्पल दिया है, वी यूज़ दिस टू टेक पिक्चर, वी यूज़ दिस टू टेक पिक्चर। ये आपके सामने वर्ड दिया है कि हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं पिक्चर लेने के लिए। तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या है? कैमरा है। क्या ये? कैमरा है। क्लियर हो गया ना? बोलो आगे, समझ में ना? ये हो गया। अगला देखिए, अगला है अगला है अपने पास में राइमिंग वर्ड्स। क्या कहलाता है? राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स में आपके पास में एक होता है होमोफोन। क्या होता है? होमोफोन, ठीक है ना। तो होमोफोन में, होमोफोन क्या होते हैं? होमोफोन ये होते हैं कि जिनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है मगर वो सुनाई सेम देते हैं, सुनाई सेम देते हैं। देखिए, आप फोन करते हैं तो आपको क्या देता है? सुनाई देता है, ना, है ना। तो सुनाई देता है, तो जिसमें सेम सुनाई देता है। जैसे एग्जांपल के लिए SON भी सन होता है और SUN भी सन होता है, मगर दोनों की स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं होमोफोन। समझ में आ गया ना? दोनों की बिल्कुल एक ही जैसी है, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब देखिए, अब सेम साउंडिंग वर्ड, सेम साउंडिंग वर्ड का दूसरा एग्जाम्पल है, है ना। एक तो होमोफोन आपने देख लिया, और होमोफोन में स्पेलिंग अलग अलग होती थी, ठीक है ना। अब देखिए, सेम साउंडिंग वर्ड है, दूसरा देखिए टो कार। क्या लिखा है? टो कार। और यह है टो ट्रक। क्या है ये? टो ट्रक। तो दोनों में कुछ टो वाला जो पार्ट है वो सेम सुनाई दे रहा है, समझ में आ गया ना। तो टो पार्ट, मगर दोनों की मीनिंग क्या है? अलग अलग है। दोनों की मीनिंग क्या है? अलग अलग है। चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद सिनोनिम्स आ गए, तो सिनोनिम्स तो आप जाते हैं जिसके सेम मीनिंग हो, जिसकी क्या हो? सेम मीनिंग। अब जैसे यही लिखा है, सिनोनिम का मतलब एक है वर्ड विद द सेम मीनिंग, जिसकी मीनिंग सेम हो। यहाँ पे लिखा है काम। क्या लिखा है? काम, CALM। इसमें L साइलेंट होता है, इसको हम पढ़ते हैं काम। काम का मतलब होता है बेटा शांत। क्या होता है काम का मतलब? अब काम की मीनिंग देख लो कौन कौन सी। पीसफुल, क्या बेटा? पीसफुल, हैप्पी, प्लीजेंट, रिलैक्स एंड ट्रैंक्विल, ये मीनिंग है काम की। पीसफुल, हैप्पी, ट्रैंक्विल, रिलैक्स्ड एंड प्लीजेंट, ये सब कुछ किसकी मीनिंग है? काम की। काम यानी कि शांत, ये शांत की मीनिंग है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं एंटोनिम्स। क्या देखते हैं? एंटोनिम्स, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स, वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग, वर्ड अपोजिट टू द मीनिंग, मतलब जो कोई आपके सामने मीनिंग दी हुई है उसका अपोजिट। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपके पास में हॉट है, तो हॉट का एंटोनिम क्या होगा? कोल्ड। तो हमने सिनोनिम्स की बात कर ली। सिनोनिम्स में क्या होता है बेटा कि हॉट का स्वीट होता है, है ना, और हॉट का स्वीट होता है सिनोनिम्स में। अब देखते हैं एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स बोल गया, एंटोनिम्स होना था। हॉट का कूल होगा, ओके, एंड स्वीट का क्या होगा बेटा? स्वीट यानी कि मीठा, और स्वीट का होता है सोर, SOUR। स्वीट का क्या होता है? सोर, है ना। मीठा का उल्टा होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा या नमकीन। सोर का मतलब होता है नमकीन। क्या होता है बेटा? नमकीन, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट बात करते हैं एंटोनिम की। द वर्ड विद द अपोजिट मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम?
एंटोनिम। अब हम वर्ड पेयर की बात करते हैं। वर्ड पेयर, वर्ड पेयर मतलब ऐसे वर्ड जो पेयर्स में आते हैं, टू वर्ड ऑलवेज यूज टुगेदर, इनको हमेशा साथ में यूज करते हैं, है ना, हमेशा साथ में। जैसे हैमर एंड नेल, हैमर एंड नेल, ये वर्ड आपने देखा होगा, ये जब दोनों एक साथ आते हैं, जब ये दोनों एक साथ रहते हैं तो हैमर एंड नेल यूज़ किया जाता है। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं रात और दिन, तो डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका वर्ड पेयर है, ठीक ना, ये भी आपका वर्ड पेयर है। अब देखिए, अब अगला है जम्बल्ड वर्ल्ड एंड सेंटेंसेस, ठीक ना, हाँ, जम्बल्ड वर्ल्ड एंड सेंटेंसेस, ये वर्ड ऑर्डर है, तो आपको इसमें क्या रहेगा कि एक गलत ऑर्डर में रहेगा और आपको बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे गलत ऑर्डर दिया गया है और आपने इसका सही ऑर्डर बना लिया, ब्यूटीफुल, क्या बना लिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, अभी जम्बल्ड क्या था, वर्ड था, अब जम्बल्ड सेंटेंस देखो, लव आई एंड मॉम डैड, तो क्या आएगा, आई लव मॉम एंड डैड, ठीक है ना, तो ये इसका सही सेंटेंस हो जाएगा, आई लव मॉम एंड डैड, ये हो गया सही का सही। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया ये वाला पार्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल वर्ल्ड की, मतलब इसमें हम एनिमल्स देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल हुआ करते हैं, ठीक ना। तो देखिए एनिमल वर्ल्ड आ चुका है, तो एनिमल वर्ल्ड में हमारे पास बहुत सारे वर्ल्ड एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल होते हैं वाइल्ड एनिमल और कुछ वर्ल्ड होते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो कुछ वर्ड है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल और कुछ वर्ड हैं आपके डोमेस्टिक एनिमल। अब वर्ल्ड में देखिए, वाइल्ड में भी कुछ अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स हैं, ये डेजर्ट एरिया के हैं, किसके हैं बेटा, डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में बेटा स्नेक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, स्नेक, मतलब डेजर्ट वाले स्नेक की बात हो रही है। और कौन से होते हैं डेजर्ट एरिया में, कैमल्स होते हैं, फॉलकॉन्स होते हैं, वाइपर स्नेक, हाँ आपने सुना होगा वाइपर स्नेक जो होता है मेनली डेजर्ट एरिया में, स्कॉर्पियन यानी कि मकड़ी जो होती है ना, बिच्छू सॉरी, हाँ ये पाया जाता है। पोलर रीजन के जो होते हैं पेंगुइन होते हैं, है ना, वॉलरोसेस होते हैं, किलर व्हेल्स होती हैं, ओके, पोलर बियर्स होते हैं, ये पोलर रीजन के, हाँ, और सील्स भी हुआ करते हैं, ठीक ना, सील्स भी होते हैं। देन सीज एंड ओशियन, ओशियन में क्या पाए जाते हैं, शार्क्स, व्हेल्स, डॉल्फिन, टर्टल्स एट्सेट्रा, है ना। देखिए व्हेल जो होती है, व्हेल सिंग करती है, व्हेल क्या करती है, सिंग करती है, एंड डॉल्फिन्स क्या करती हैं, क्लिक करती हैं, है ना, डॉल्फिन्स क्या करती हैं, सिंग, हाँ क्लिक करती हैं, व्हेल्स जो होती हैं वो सिंग किया करती हैं, एंड डॉल्फिन्स क्या करती हैं, क्लिक करती हैं। अब तो ये मैं बताना भूल गया, हाँ ये इधर वाला पार्ट आ चुका है। अब हम आ जाते हैं जंगल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, तो ये वाइल्ड एनिमल वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद है जंगल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, मतलब जंगल में कौन रहता है, फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, वो जंगल फॉरेस्ट एक ही चीज़ हो गई, और माउंटेन में कौन कौन से रहते हैं, ठीक ना। तो देखिए जंगल के हैं लाइन, जिराफ, पांडाज, राइनोट्स एट्सेट्रा। लाइन, अच्छा लाइन क्या करता है, रोर करता है एंड ग्रोल करता है, गुर्राता है, समझ गया ना। एक होता है दहाड़ना जो जोर से चिल्लाता, बोलो हाँ, है ना, और एक होता है ग्रोल करना, चलता है ना जब ग्र, और जोर से होता है दहाड़ना, ये क्या हो गया, दहाड़ना, इसको रोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रोर। और ग्राउल का मतलब क्या होता है, ये ग्राउल होता है, क्या होता है, ये ग्राउल होता है। अब देखिए एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट एंड कैमल्स, ठीक ना, एलिफेंट जो होता है वो ट्रम्पेट यानी बजाता है और ग्रंट करता है ना, एलिफेंट जो होता है वो यहाँ पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ एलिफेंट जो होता है, ये देखिए ये अपने पास में ये वर्क एनिमल्स हैं, ये कौन से एनिमल हैं, वर्क एनिमल। तो जो एलिफेंट होता है ये वर्क एनिमल होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा वजन लाद करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। पहले के समय में जो बड़ी बड़ी चट्टानें बनती थी, बड़े बड़े मोनूमेंट होते थे, उनमें पत्थर उठाने का काम एलिफेंट ही करते थे, कौन उठाता था, हाँ एलिफेंट की सूंड में पत्थर को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह तक बड़े बड़े पत्थर ले जाया करता था, हाँ सूंड में पत्थर को उठा के उठा लेता, पूरे पूरे पिलर होते हैं ना, बड़े बड़े पिलर, पिलर को एलिफेंट उठा लेता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, देखा आपने कभी, एक पिक्चर में देखा होगा, याद करिए। चलिए तो एलिफेंट कैमल्स है ना, ये हो गया। अब वर्क एनिमल में कौन कौन है, एलिफेंट है, कैमल्स हैं, है ना, ट्रम्पेट करता है, ग्रंट करता है। देन इसके बाद एनिमल कैमल के बच्चे को बोलते हैं काफ्स, क्या बोलते हैं, काफ्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया, एनिमल के बच्चे को क्या बोलते हैं हम, काफ्स, ठीक है ना। ऑक्सन, ऑक्स की उल्टी जो होती है उसको ऑक्सन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सन, ऑक्स का उल्टा ऑक्सन, एंड याक्स, याक्स तो जानते हो आप, तो वो भी एक वर्क एनिमल है। हॉर्स, डंकी, ओके, हॉर्स, डंकी एंड मूल्स, ये आई डोंट नो मूल्स क्या होता है, मेरे ख्याल से खच्चर,
हाँ वही खच्चर होता होगा, खच्चर बोलते हैं शायद। हॉर्स के बेटे को बोलते हैं अपन फोल्स, हाँ है ना। डंकी के बच्चे को बोलते हैं कोल्ट, है ना। और मूल्स के बच्चे को बोलते हैं फिलीज, क्या बोलते हैं फिलीज। अच्छा हॉर्स, हॉर्स क्या करता है नी करता है, हॉर्स क्या करता है नी करता है। और डंकी क्या करता है ब्रे, डंकी क्या करता है ब्रे, यानी कि ढेंचू ढेंचू जो बोलता है। आई बात समझ में ना, क्लियर हो गया। हाँ अब देखिए, अब देखिए हम बात करते हैं पेट्स की। पेट्स मतलब जो पालते हैं उनके बच्चों के नाम। तो फिश के बच्चे को हम क्या बोलते हैं फिंगरलिंग्स, क्या बोलते हैं फिंगरलिंग्स। कैट्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं किटन, और ये म्याऊं करती है। डॉग्स के बच्चे को हम बोलते हैं पप्स, और ये बार्क करती है। पैरट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं चिक्स, और ये स्क्वैक करता है, क्या करता है स्क्वैक करता है, है ना, ठीक है ना। और इसके बाद रैबिट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं किटन, क्या बोलते हैं, और ये क्या करता है ग्रंट करता है। आई बात समझ में ना, सही हो गए हैं। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हाँ गोट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं किड्स बोलते हैं, गोट के बच्चे को किड्स बोलते हैं। शीप के बच्चे को लैम बोलते हैं, और पिग्स के बच्चे को पिगलेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं पिगलेट्स। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये आप ये देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है कि चिकन्स, चिकन्स के बच्चे को मुर्गी के बच्चे को चिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं चिक्स। और ये जो भाषा बोलता है इसको हम बोलते हैं क्लक, क्या बोलते हैं क्लक बोलते हैं, क्या बोलते हैं क्लक। डक के बच्चे को हम डकलिंग्स बोलते हैं, और ये क्वैक क्वैक करते हैं, क्या बोलते हैं। गीस के बच्चे को हम गोजलिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं गोजलिंग्स, और ये हैंक करता है, ठीक है ना। काउ के बच्चे को हम काप्स बोलते हैं, बफेलो के बच्चे को हम मूव, सॉरी काउ का बच्चा नहीं, काउ के बच्चे को हम काप्स बोलते हैं, बफेलो के बच्चे को हम मूव बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं, बफेलो का बच्चा मुंह नहीं बोलेगा, बफेलो की लैंग्वेज बेटा मुंह, क्या है बफेलो की लैंग्वेज मुंह। और याक्स की लैंग्वेज क्या है ग्रंट, क्या है याक्स की लैंग्वेज ग्रंट। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए तो ये एक बड़ा सा चार्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसको आप लोग याद करिएगा। अब आते हैं एवरीडे यूजेस ऑफ ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ग्रामर का हम पर डे का यूज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रामर में कॉमन प्रोफेशन देखेंगे कि कॉमन प्रोफेशन क्या होते हैं। तो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, ये कॉमन है। देन इसके बाद ये देखिए म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, राइटर एट्सेट्रा। और यहाँ पर दूसरा क्या है पुलिस, लॉयर, डिफेंस, ये सोनो है ना। और इसके बाद कॉमनली यूज टर्म्स, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये सब सब कुछ आप देख सकते हैं, खुद ही पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी चीज़ है। मेनली यहाँ पर चीज़ आती है कॉमनली यूज ग्रामर, हाँ है ना। तो दिस दैट का यूज़ करते हैं पास की चीज़ों के लिए, दिस और दूर की चीज़ों के लिए दैट, दिस बिल्डिंग, दैट हाउस, है ना। हियर देयर, यहाँ के लिए हियर और दूर की चीज़ के लिए देयर। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। माई बुक्स आर देयर, मेरी किताबें वहाँ हैं। देन इसके बाद ये देखिए दीज दोज, दीज दोज, अगर चीज़ें ज़्यादा हों और पास में हो तो दीज लगता है, और चीज़ें ज़्यादा हों दूर हों तो क्या लगता है दोज। दीज पेंस आर बिलोंग टू दोज गर्ल्स, दीज पेंस आर बिलोंग्स टू, देखिए अच्छा कितना यूज़ है, दोनों ही यूज़ कर दिया इसमें, दीज का भी दोज का भी। दीज पेन आर बिलोंग्स, दीज पेंस बिलोंग्स टू दोज गर्ल्स, मतलब ये जो पेन है उन लड़कियों की हैं, ये जो पेन है उन लड़कियों की हैं। तो दीज पेंस मतलब ये जो पेन है, दीज पेंस बिलोंग्स टू दोज गर्ल्स, ये जो पेन है उन लड़कियों की है। आई बात समझ में ना। अगला इज वॉज आर वर, इज वर आर वर, ठीक ना। तो अनु इज हेयर, अनु इज तो जानते हो ना आप, इसके के लगता है प्रेजेंट के लिए। अनु इज हेयर, आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट, है ना, मैं वहाँ नहीं था। अनु इज हेयर, आई वॉज नॉट, दे आर गोइंग, यू वर गोइंग, यू वर गॉन, यू वर गॉन। तो ये सारे यूज़ आपको पता है आई थिंक, मेरे ख्याल से। सिंपल इंडेफिनिट में इज लगता है, पास्ट के लिए वॉज लगता है, ज़्यादा लोग हों तो क्या लगता है आर लगता है, यू के लिए आर लगता है, और वर किसके लिए लगता है वर भी लगता है ना। आई आई के लिए वॉज लगता है, वी के लिए वॉज, वी के लिए वर लगता है, समझ गए ना। सिंगुलर के लिए वॉज लगता है, प्लूरल के लिए वर लगता है, यू के लिए भी वर लगता है। हैज़ हैव हैड, ये तीनों किसके लिए होते हैं पोजीशन के लिए, किसके लिए होते हैं पोजीशन मतलब अधिकार के लिए, किसके लिए अधिकार के लिए। अगर प्रेजेंट में अधिकार की बात हो रही तो हैज़ का यूज़ करेंगे, अगर परफेक्ट पास्ट में अगर सॉरी अगर प्लूरल होंगे आई 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 के साथ हैव यूज़ होगा, आई वी के साथ हैव लगता है, आई और वी के साथ क्या लगता है हैव लगता है। और बाकी के लिए क्या लगता है हैज़ लगता है, बाकी के लिए क्या लगता है हैज़ लगता है, बाकी के लिए क्या लगता है हैज़ लगता है, ठीक ना। और अगर पास्ट की बात करोगे तो सबके लिए हेड लगेगा, क्या लगेगा हेड। रिया हैज़ अ कैट, आई हैव अ डॉग, वी हैड अ माउस, वी हैड अ
माउस, समझ गए ना। तो हैज हैड का इस उपयोग किसके लिए होता है, पोजीशन के लिए। किसके लिए होता है, मतलब नॉर्मल सेंटेंसेस में आप इसका यूज पोजीशन यानी कि अधिकार के लिए करते हो कि मेरी ये चीज मेरी है। अब बात करते हैं स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन मतलब सही बोलते कैसे हैं, सही लिखते कहते हैं। करेक्ट वे टू आस्क क्वेश्चन, करेक्ट वे टू आस्क क्वेश्चन। थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू आस्क, बी डायरेक्ट, बी पोलाइट। मतलब किसी से क्वेश्चन करते समय आप पहले बिल्कुल क्लियर कर लो कि आपको पूछना क्या है, डायरेक्टली पूछो और पोलाइटली मतलब अच्छे अंदाज में पूछो, सभ्यता से पूछो। करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड, सही उत्तर देने का तरीका। बी रिस्पेक्टफुल, उत्तर देते समय किसी के सामने बड़े रिस्पेक्टफुल रहिए। बी एप्ट एंड डायरेक्ट, सीधा सीधा जवाब दीजिए, घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। डोंट बी रूड मतलब एकदम गुस्सा मत होइए, एकदम गुस्सा मत होइए। राइट थिंग टू से, किसी चीज को कहने का तरीका। रिमेंबर से सॉरी प्लीज एंड थैंक यू, है ना, से सॉरी प्लीज एंड थैंक यू। मतलब यदि कोई गलती हो गई तो सॉरी बोलो, कोई चीज अगर आप कृपा करने की बात करो तो प्लीज बोलो, और वाक्य के एंड में क्या बोलो, थैंक यू। बी काइंड एंड सिंपैथिक, एक काइंड रहो, दयालु रहो और दूसरे के साथ मददगार रहो। सिंपैथिक मतलब मददगार, सिंपैथिक मतलब मददगार। राइट थिंग टू से, थिंक ऑफ द राइट थिंग से, है ना, बिल्कुल मतलब कि उस बारे में सोचो जो बिल्कुल सही कहनी है आपको बात। राइट वे टू स्पीक एंड राइट, सही तरीका बोलने का और लिखने का, बोलने का। और नो ऑफेंसिव लैंग्वेज मतलब कि आपको कोई भड़कीली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि अभी अभी हमने कर दी, भड़कीली लैंग्वेज थी ना, है ना, तो हमने कैसी लैंग्वेज यूज़ करी, ऑफेंसिव। कैसी लैंग्वेज यूज़ करी, तो ऑफेंसिव लैंग्वेज को यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, है ना। मतलब आदमी इंसान क्या करता है, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज करता है और बदले में फिर उसको ऑफेंसिव लैंग्वेज का सामना करना पड़ता है और विवाद बढ़ जाता है, विवाद बढ़ जाता है। तो हमें अपनी तरफ से कभी भी ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, भड़काने वाले शब्दों का, भड़काने वाले शब्दों का। जैसे एग्जाम्पल, आपने किसी को हरा दिया और आप कह रहे हो चाट लिए धूल, है ना, तुमको मैंने धूल चटाई, तो भाई आप सिंपल बोल दो, यार भाई यार तुम तो हार गए इस मैच में, डोंट वरी, कोई बात नहीं। अब आप तुम कहोगे इस बार तो धूल चाट लियो, अगली बार भी धूल चाटने को तैयार रहना। तो ये क्या है, ऑफेंसिव है। क्या है ये, ऑफेंसिव। इससे सामने वाले का दिमाग खराब होता है, वो भड़क जाएगा, क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा, और आपकी फिर दोनों के बीच में हिंसा बढ़ जाएगी, समझ गए ना, फाइटिंग बढ़ जाएगी, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड राइट, अगर आप लिख रहे हो और बोल रहे हो तो उसके पहले सोच लो, उसके पहले क्या करो, सोच लो कि ये वर्ड मेरे अच्छे हैं कि बुरे हैं, किसी को खराब ना लगे, किसी को खराब ना लगें। एंड लास्ट, बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट मतलब कि एकदम अपने आत्मविश्वास में रहो बोलते समय, कि बिल्कुल जैसे अटक पटक के नहीं बोलना चाहिए, मे आई ब्रिंग वाटर, ऐसे नहीं, एक बार में मे आई ब्रिंग वाटर, समझ गए ना। तो ऐसे मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इसको बोलते हैं हम कॉन्फिडेंट। अब ये तो हो गया बेटा क्या, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन, मतलब स्पोकन और लिखते समय और बोलते समय के एक्सप्रेशन क्या होते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग कंप्रेहेशन, है ना, कंप्रेहेशन, ठीक ना। तो मतलब कि आप यदि रीड कर रहे हो तो रीड करते समय आपके अंदर जो कंप्रेहेशन आएगा, मतलब आदत जो डेवलप होगी, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो तो रीडिंग कंप्रेहेशन, रीड द पैसेज और पोएम केयरफुली। आप रीडिंग की आदत डालिए, रीडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। जिनको रीडिंग की आदत पड़ जाती है वो लोग बहुत आगे जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। फैमिलराइज विद रीडिंग पैसेजेस, है ना, रीडिंग पैसेजेस के साथ फैमिलराइज हो जाओ, उनसे दोस्ती हो जाए, इतना ज़्यादा पढ़ो कि उनसे दोस्ती हो। रीड द पैसेज एंड पोएम केयरफुली, उनको केयरफुली पढ़ो। लुक एट द स्पेलिंग ऑफ ईच वर्ड, हर वर्ड की स्पेलिंग को अच्छे से देखो, स्पेलिंग अच्छे से देखो तो स्पेलिंग याद रहेगी। ट्राई टू प्रोनाउंस देम करेक्टली, उनको प्रोनाउंस बोलने की आदत बिल्कुल करेक्टली डालो। व्हाट इज द पैसेजेस अबाउट, ये तो पहली हो गई, फैमिलरीज विद द रिगार्डिंग पैसेज। अब देखो अंडरस्टैंडिंग पैसेज और पोएम प्रॉपर्टी। अब जो पैसेज आपको मिला है, पैसेज यानी वही अनसीन पैसेज जो बड़ा सा मिलता है आपको, मैंने कराया है नवोदय की तैयारी के समय। अंडरस्टैंडिंग द पैसेज और पोएम प्रॉपर्टी, पैसेज किस चीज के बारे में है वो जान लो, ओके। यूज योर इमेजिनेशन, उसके बारे में इमेजिनेशन बनाओ, पैसेज के बारे में अपने मन में चित्र बनाओ। लुक फॉर मीनिंग, उसकी मीनिंग समझने की प्रयास करो। देन क्या है इसके बाद है, कल्टीवेट रीडिंग हैबिट, गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। कल्टीवेट मतलब उपजाना, कल्टीवेट मतलब उपजाना, मतलब पैदा करना, उपजाना मतलब पैदा करना। तो अपने अंदर रीडिंग हैबिट पैदा करो, नई नई इन्फॉर्मेशन। जब आप रीडिंग हैबिट पैदा करोगे तो आपको नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो क्या करो उसके लिए, उस जानकारी प्राप्त करके शेयर योर नॉलेज, शेयर योर नॉलेज, अपने नॉलेज को शेयर करोगे। गेन नॉलेज, नॉलेज को प्राप्त करो। मेक रीडिंग योर हैबिट, अपनी रीडिंग को हैबिट बनाओ। फाइनली बींग एबल टू आंसर द क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन आपको मिलेगा
मेक आंसर्स इन द पैसेज, मार्क आंसर, जैसे पैसेज आता है ना, देखियो ना उसमें आंसर मार्क कर लो यहाँ से यहाँ तक जो तुम अपने एग्जाम में गलत कराए थे, एक क्वेश्चन याद है ना। फिर उसके बाद है री रीड द पैसेज और पोयम, उसको फिर से बार बार पैसेज एंड रीड क्वेश्चन केयरफुली, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना, ऐसा ना करना जैसे पहले आपने किया कि ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नीचे लिखा था, आपने नीचे पढ़ा ही नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। चलिए अब क्या है स्पेल बी, स्पेल बी क्या होता है, स्पेल बी जानते हो आप? नहीं जानते स्पेल बी। स्पेल बी एक स्पेलिंग से रिलेटेड है कि स्पेलिंग कैसे याद की जाए, कैसी स्पेलिंग की मैकेनिज्म होती है। लर्न द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, मतलब कि जो कोई भी चीज़ है उसकी स्पेलिंग करेक्ट पढ़ो। जैसे रिस्पेक्टफुली, तो रिस्पेक्टफुली को पढ़ने के लिए क्या करो, ब्रेक कर लो उसमें, ब्रेक द वर्ड इन टू द सिलेबल्स, ब्रेक द वर्ड इन टू द सिलेबल्स, सिलेबस नहीं है सिलेबल्स है, क्या लिखा है सिलेबल्स, ठीक है ना। आप ब्रेक कर दो वर्ड को, दो दो पार्ट में ब्रेक कर दो, जैसे ब्यूटीफुल को बी ई ए यू टी आई और एफ यू एल, दो पार्ट में आप ब्रेक कर दो, समझ गए ना, पार्ट में ब्रेक ब्रेक करके। रीड वर्ड केयरफुली, उनको केयरफुली रीड करो। अंडरस्टैंड हाउ वर्ड साउंड, साउंड को महसूस करो। देन इसके बाद लर्न न्यू वर्ड, लर्न न्यू वर्ड, तो न्यू वर्ड में यूज न्यू लर्नड वर्ड डेली इन कन्वर्जेशन, जो आप नया वर्ड है उसको अपने डेली कन्वर्जेशन में लाओ, डेली कन्वर्जेशन में लाओ। जैसे अभी आपने देखा था कि एक वर्ड मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सिंपल था, ये देखिए, ये देखा काम, क्या था काम, तो काम का एक नया वर्ड मिला ट्रैंक्विल, क्या वर्ड मिला ट्रैंक्विल, तो बी ट्रैंक्विल, शांत रहो, बी ट्रैंक्विल, क्या बोलोगे बी ट्रैंक्विल, मतलब शांत रहो, है ना। अभी तक क्या यूज करते थे, बी काम, बी काम, तो काम की जगह भी यह यूज कर सकते हैं ट्रैंक्विल। तो नए नए वर्ड आप यूज कर सकते हैं और उससे आपको नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा। चेक स्पेलिंग एंड मीनिंग्स, मीनिंग्स उनकी स्पेलिंग चेक करो, मीनिंग चेक करो, डिक्शनरी का यूज करो। एंड लास्ट है रिसीव स्पेलिंग्स, स्पेल आउट द थिंग्स अराउंड यू, चीज़ों को स्पेल आउट, जो भी चीज़ आपके पास में है, जैसे ये आपके पास में ऑडियो बॉक्स है, तो आप बहुत लोग बोलते हैं ऑडियो, क्या बोलते हैं ऑडियो, बट ये ऑडियो नहीं होता, ये होता ऑडियो, क्या होता है ऑडियो, तो बोलते जाओ, टेस्ट योरसेल्फ, अपना टेस्ट कभी कभी लेते रहो। राइट डाउन टू सी द स्पेलिंग, और अपने कभी वक्त मिले तो उन चीज़ों को लिखते जाओ उनकी स्पेलिंग जानने के लिए, समझ गए ना। जैसे मैंने एक से पूछा कि ऑडियो की स्पेलिंग बोलो, तो उसने बोला ए यू डी आई, है ना, ए यू डी ओ, क्या बोला उसने ए यू डी आई ओ, ए यू डी ओ, समझ गए ना, या कोई ई बोल देगा ए यू डी ई ओ, बट आपने पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा इसकी स्पेलिंग क्या, ए यू डी आई ओ, समझ गए ना। वीडियो की स्पेलिंग वी आई डी ई ओ, ये देखो ये वीडियो है, ये ऑडियो है, ओके। से लाउडली टू लिसन द साउंड, और लाउडली स्पीक करो जिससे आपको साउंड आपके कानों में खुद सुनाई दे, आपको कानों में खुद सुनाई दे। जैसे जब कोई, कई बार मैं तुमसे बोलता हूँ ओबीडिएंटली की स्पेलिंग बताओ, तुम भूल जाते हो, हाँ या ना, है ना, तो ओ बी ई, हाँ या ना, डी आई ई एन टी एल वाई, ओबीडिएंटली, इसको तीन पार्ट में तोड़ लो, ओ बी ई, हाँ है ना, फिर डी एंट, डी आई ई एन टी, हाँ, ओबे डी एंट ली। जब आपका प्रोनंसिएशन सही होगा ना तो आपकी स्पेलिंग गलत नहीं होगी। आप पढ़ते हो क्या ओबीडिएंटली, क्या पढ़ते हो, गलत हो गया, प्रोनंसिएशन ही गलत हो गया, तो आपको ओ बी लिखोगे तो आपको लगेगा ओ बी आई, गलत हो गया। अगर आप पढ़ोगे ओबेडिएंटली, क्या पढ़ोगे ओबेडिएंटली, तो आपका प्रोनंसिएशन सही है, ओबे, तो ए का साउंड किस में आता है, ई में आता है, तो अब आपका गलत नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब बेटा, सही प्रोनाउंसिएशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, समझ में आ गया, आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। चलिए तो ये यहाँ पर हमारी पहली शीट यहाँ पर हो चुकी है ना, जो अपनी ओलंपियाड लेवल की है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेकेंड शीट कंटिन्यू कर